देखिए फ्रेंड्स, ये पांच पौधे हैं। इन ये पांच पौधों में से ये पौधा केले का है, ये एक बेल लेके आया हूँ, ये तुलसी का पौधा है, और ये अमरूद का पौधा है, और एक नींबू का पौधा है। तो देखिए, ये सदाबहार नींबू है, साल में पूरे साल ही भरी फ्रूट देता रहता है। ये देखिए, इस पे लगे हुए हैं, चार पांच नींबू लगे हुए थे, दो के टूट गए बीच में रास्ते में। तो इनके लिए मैंने 24 इंच या 24 इंच प्लस कोई साइज का गमला डिसाइड। ये देखिए फ्रेंड्स, तुलसी के लिए मैंने ये गमला लिया है। ये गमले में पहले पड़ा हुआ था मेरे पास, इसमें मिट्टी रखी हुई है। इसमें मिट्टी का रेशो है 30%, तो इसमें गोबर की खाद है, काउडंग है, और 70% नॉर्मल मिट्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करते हैं इसमें लगाना। इसके लिए इसमें मैं बीच में गड्ढा बना लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेल है, इस बेल को हम नीचे लगाएंगे। नीचे गमला है, आ जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पहले केले का पौधा लगाया हुआ था, वो पूरा जल गया है पानी नहीं डालने की वजह से, क्योंकि बाहर था, इसलिए अभी इसमें ये बेल लगाऊंगा। दिखा, और देखिए इधर, देखिए ये एक बेल में पूरा इधर ले जाऊंगा, एक इसका एक हिस्सा, और एक हिस्सा फ्रेंड्स इस साइड से घुमाऊंगा मैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, अभी इसमें लगा देते हैं बीच में। पहले इसमें फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने नींबू के पौधे को इधर लगाया है। ये मेरी एक लंबी सारी क्यारी है, तो इस क्यारी के बिल्कुल बीच में तो नहीं, कोने पे थोड़ा सा जगह छोड़ के इसके सेंटर में इधर लगा दिया है मैंने। पास में ये हंडी है, जिसमें से पानी डालने से थोड़ा धीरे धीरे करके इसकी जड़ों में पानी जाता रहेगा, इसको पानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गर्मी के टाइम पर भी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये यहाँ पर पौधा, और ये क्यारी में आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पर मैंने लास्ट अपडेट वीडियो डाली है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तुलसी का पौधा है, मैंने इधर गमले में लगा दिया है, बिल्कुल छत के बीच में तो नहीं है, एक साइड कोने पे है, ताकि अच्छा लग रहा है बिल्कुल बीच में। और ये देखिए फ्रेंड्स, अमरूद का पौधा मैंने इस वाली क्यारी में लगाया है, ये मेरी छत की दूसरी साइड वाली क्यारी है। ये देखिए, इस क्यारी के बिल्कुल सेंटर में लगाया है। ये देखिए, इसके पास ही मैंने हंडी रखी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर है, इसमें पानी भरने से धीरे धीरे करके इसकी जड़ों में पानी जाता रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा अमरूद का पौधा लग रहा है इधर। और अपना केले का पौधा इधर लगाया मैंने, ये घर में वेस्ट टंकी पड़ी हुई थी, टूटी हुई है फ्रेंड्स, ये सीमेंट की टंकी है, 600-700 रुपये की आती है मार्केट से, और ये टूट के लीकेज हो गई थी, बहुत पुरानी टंकी है। तो मैंने इसमें केले के पौधे लगा दिए अंदर मिट्टी भर के, और इसकी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं खाद ले आया हूँ केले के पौधे लगाने के लिए। तो ये वाला देखिए, इसमें मैंने पूरा देसी खाद बना रखा है, इसमें मैं सब जो भी किचन वेस्टेज होता है, जो भी बेल वगैरह घास वगैरह होती है, इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, पूरा नीचे सड़ा हुआ है सब कुछ है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बदबू आ रही है बहुत। ये इसमें दो, इनमें तीनों में मिट्टी है फ्रेंड्स, मिट्टी का रेशो 30 और 70 है, 30% मिट्टी है, 30% गोबर का खाद है, और 70% नॉर्मल मिट्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इस टंकी में मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस टंकी में पहले, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, इस टंकी में मिट्टी डालते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे मिट्टी डाल दी मैंने पूरी इसमें,
अभी फ्रेंड्स इसमें ये गोबर की किचन वेस्ट की खाद बनाई है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई है, ये डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये डाल देता हूँ, भारी है थोड़ा, हेल्थ की जरूरत पड़ेगी इसलिए वीडियो रोकनी पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये किचन वेस्ट की खाद डाल दी, अभी भी कुछ मटेरियल गला नहीं है जिसके अंदर दिख ही रहा है। अभी हम इसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे तो ये अपने आप नीचे गल जाएगा फ्रेंड्स, और ये पौधे को जब तक गलेगा तब तक ये न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हम अभी ये लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, केले का पौधा भी आपने अच्छे से देख लिया, ग्रोथ भी देख लीजिए, आपके एक नया पत्ता न्यू लीफ निकल के आ रही है, कोई गला वगैरह कुछ नहीं है। ये देखिए थोड़ा लाने के टाइम पे जल गया था, लेकिन अभी ये पूरा अच्छे ग्रोथ पे है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा हरा भरा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने पाँचों पौधे दिखा दिए हैं मैंने, और फ्रेंड्स इनका रेट मैं आपको अभी बता देता हूं कि मैंने क्या रेट में इनको ख़रीदे हैं। तो रेट मैं पहले बता देता हूं, केले के पौधे का रेट है, इसको मैंने 150 रुपये में लिया था फ्रेंड्स, इससे थोड़ा बड़ा भी था, वो 200 में दे रहा था, अभी पता नहीं उसने महंगा दिया है, शायद थोड़ा महंगा दे दिया है। और ये अमरूद का पौधा है, ये 100 रुपये में लिया है मैंने, हिसार से लिया है फ्रेंड्स, हिसार में नर्सरी है, जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और ये तुलसी का पौधा मैंने 50 रुपये में लिया था फ्रेंड्स, और नींबू का पौधा भी 70 रुपये में लिया था फ्रेंड्स, और वो जो बेल है लगाइए, जो सबसे पहले लगाई है, वो 100 रुपये में लगाई है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरा किचन गार्डन कैसा लग रहा है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पौधों से कुछ पूछना है रिलेटेड में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।